अपने बहुत तपस्या करी, बहुत मेहनत करी, 8 महीने से लड़ रहा था अपने आप से कि वो दिन आएगा, एक दिन आएगा, समय आएगा कि बच्चा मेरा मुझे सपोर्ट करेगा। बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया, पर कम से कम बैंक ने सीधा मेरे को नोटिस दे दिया। बैंक का नोटिस आ गया मेरे पे, बैंक का मेरे पे नोटिस आ गया कि अगर आपने जल्द से जल्द इस कर्ज को नहीं पटाए तो भैया आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, स्टूडियो जो आप देख रहे हैं सब कुछ मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरे जीवन में कुछ नहीं है मां का, तो पहली बार ये बस सेवा आग्रह कि बेटा ये जो मेरा बैच है इस बैच को ले लीजिए, बस इस बैच को परचेज कर लीजिए, मैं बिल्कुल फ्री में आपसे कुछ नहीं चाहता, फ्री में आपसे कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ इस बैच के लिए मुझे गुरु दक्षिणा दे दीजिए, आज मैं हक से आपसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ अपनी जो है 500 रुपए का है। बेटा जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, जो ये दिखाता है कि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं इतना इनकम टैक्स देता हूँ, आप उस उन अध्यापकों को सपोर्ट करते हो जो गरीब अध्यापक है जिसने जीवन में आपसे बस 499 में किसका बैच होता है, 499 में पिज्जा खा लेते हैं, मेरे प्यारे बच्चों 499 किताब आती है, मैं तो मात्र 499 में आपसे बोल रहा हूँ बेटा, मात्र 499 की बात कर रहा हूँ। आप मुझे सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे मुझे कमेंट ऑप्शन में बता दो, क्योंकि इसके बाद मेरे हृदय की भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि हो सकता है कि सब से राम राम कर जाओ, क्योंकि मैं जीवन में अब यूट्यूब पर नहीं बना। अगर महाकाल की सौगंध आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो हो सकता बेटा मैं कभी यूट्यूब पे वापिस नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे कारण मेरे परिवार की स्थिति खराब हो चुकी है, मेरा परिवार बिगड़ चुका है, मैं बहुत बुरी हालात में आ चुका हूँ बेटा, प्लीज अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो इस बैच के लिए, ये बैच मैंने बिल्कुल एकदम नॉर्मल, मैंने मैंने कोई आपसे ये नहीं कि मुझे बच्चों से कुछ कमाना